वेलकम बैक इन माई चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 इंटीजर एंड एक्सरसाइज 1.3। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें दिया है कि फाइंड द ईच द फ्लोइंग प्रोडक्ट, हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। तो हमें ए दिया है हमारा 3 प्लस और क्या है माइनस 1, तो दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें हम एक वो लगाएंगे बाई रूल, क्या लगाएंगे बाई द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, कि हम जो इंटीजर होते हैं तो उनके क्या क्या मल्टीप्लिकेशन करें, तो वो हमारे रूल लगेंगे। तो इसमें हमें क्या दिया है, इसमें दिया है हमारा 3, इसमें दिया हमें 3, फिर मल्टीप्लाई करना है क्या माइनस 1। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब इसमें कौन सी है प्रॉपर्टी, तो इसमें आएगा हमारा ये कि यहाँ पे प्लस है, तो कितना यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। जब हम प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो प्लस, अब प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो क्या होगा, माइनस को हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो मूव टू क्वेश्चन नंबर बी। अब इसमें बी है, तो बी में क्या दिया है, ये दिया है हमें माइनस 1 और मल्टीप्लाई किससे करनी है हमारा 225 से। तो इसमें भी हमारा रूल लगेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो मैंने आपको एक बार रुक करा देती हूँ, बाई द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। अब हमें क्या दिया, इसमें दिया है माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस है माइनस, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में डाला, और कितना है 225। अब हमारा यहाँ पे कौन सा आएगा, तो इस पे आएगा मल्टीप्लिकेशन रूल कि माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा माइनस प्लस माइनस। तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस के 1 225, 1 जा कितना आएगा 225, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस के। तो यही है। अब मूव टू ऑप्शन सी। तो सी में क्या दिया है हमें माइनस 21, और उसको मल्टीप्लाई करना है माइनस 30। तो इसमें भी बाई रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर का चलेगा, तो आप उसको लिख सकते हो। अब इसमें क्या है कि हमारे माइनस 21 और फिर मल्टीप्लाई माइनस 30, तो उसको कैसे करेंगे, तो इसमें कौन सी आएगा, तो इसमें आएगा हमारी जो प्रॉपर्टीज हैंस कि माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जगह प्लस का साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का साइन। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें मैं करके देखती हूँ भाई, 21 और 30। अब इसमें करेंगे 0, 0 को 1 में करेंगे 0, और 0 को 2 में करेंगे तो 0। अब फिर यहाँ पे एक काटा लगाएंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 6। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो 0 को इसमें, इसका मतलब भी 0 होता है, तो 0 को इसे करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को 3 में प्लस करेंगे 3 आएगा, और ये आ जाएगा 6। सो 630, तो 630 किसको हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का। तो मूव टू ऑप्शन डी। डी, तो डी में इसमें प्रोडक्ट करना है माइनस 316, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस 1 से। तो इसमें भी वो लगेगा, इसमें लगेगी हमारी जो रूल लगेगा मल्टीप्लिकेशन का, तो इसमें आएगा हमारा हैंस, तो ये क्या है कि माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 316, ये किसे का हमारा प्लस का हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो मोर टू ऑप्शन ई। ई में क्या कह रहा है, ई में हमारा माइनस का 15, इसको मल्टीप्लाई करना है 0 से, फिर मल्टीप्लाई करना है माइनस का 18 से। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें वो लगेगा बाई द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स
इंटीजर्स। तो इसमें क्या दिया है, तो ये आएगा हमारा माइनस का 15, मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 18। मतलब हम जीरो से कोई भी इंटीजर करें, चाहे निगेटिव पॉजिटिव, तो वो क्या आएगा, वो हमारा जीरो ही आएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं हैंस इफ एनी इंटीजर इज मल्टीप्लाई बाय जीरो, यदि कोई भी इंटीजर को हमने जीरो से मल्टीप्लाई करा, तो द आंसर इज जीरो इट्सेल्फ, अपने आप में क्या हो जाएगा, वो क्या नाम जीरो ही हो जाएगा। तो मोटू ऑप्शन, उसमें एफ देखते हैं, तो एफ में क्या दिया है, इसमें दिया है हमें एफ माइनस को 12, मल्टीप्लाई करना है माइनस का 11, फिर मल्टीप्लाई करना हमारे 10 के। तो इसमें कौन से रूल आएगा, तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर का आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सेम साइन है, तो ये माइनस का ये भी साइन का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई द टू नंबर, दो नंबर को, टू नंबर्स हैविंग द सेम साइन, जिनका साइन क्या है, वो हमारा सेम है, सेम साइन। अब जैसे सबसे पहला हमारा किसका, यह हमारा माइनस का, ये माइनस का 12 और माइनस का 11। तो माइनस यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें प्लस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 12 को अपने 11 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 1 2 जो 2 और 1 1 जो 1, फिर यहाँ पे जीरो लगा लेंगे, 1 2 जो 2 और 1 1 जो 1, तो 2 को 0 में प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 1 को 2 में करेंगे 3 आएगा, ही 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा हमें, और कौन जाएगा प्लस का आएगा, तो यहाँ पे आएगा 132। फिर हम इस वाले साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा प्लस, जो हम प्लस को प्लस में करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो अब कितना आएगा यहाँ पे 132, और ये क्या लगेंगे, एक जीरो लगाएं, तो 1320 हो जाएगा इसका। अब मूव टू ऑप्शन जी, अब जी में क्या कह रहा है, जी में हमारा 9 को मल्टीप्लाई करना है माइनस का 3, फिर मल्टीप्लाई करना है माइनस का 6, तो इससे करना है। तो सबसे पहले रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इंटीजर्स का आएगा, तो इसमें सबसे पहले जो सेम साइन, पहले इसमें जो सेम साइन है उसको कर लेंगे, तो 9 मल्टीप्लाई, तो इनको दोनों को कर लेंगे पहले, तो कितना का माइनस, माइनस कितना होगा प्लस, प्लस के 3 6 जा कितना होगा हमारा 18। तो यहाँ पे हमारा रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन का आएगा कि माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस के, तो क्या जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो अब हम इसमें कर लेंगे, अब इसको इसमें कर लेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 18 को 9 में करेंगे, तो 9 8 जा क्या 72, 7 और 9 1 जा 9 और इसमें 7 प्लस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 162। तो यही इसका प्रोडक्ट, ये आंसर हो जाएगा। तो मूव टू ऑप्शन एच, अब एच है, तो एच में क्या दिया है, इसमें हमने प्रोडक्ट करना है कि माइनस का 18 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5 और फिर करेंगे मल्टीप्लाई माइनस का 4। अब इसमें हमें क्या करना है, वो ये रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, लेकिन इसमें हमें टू इंटीजर जो दोनों के, इसमें तीनों के सेम है, तो हम इसमें कोई से भी कर, पहले हम 2 का कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कौन सा रूल आएगा मल्टीप्लीकेशन का, तो माइनस प्लस माइनस, तो कितना आएगा हमारा प्लस आ जाएगा। तो हम करेंगे इसमें 18 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 एट जा कितना का 40, 4 आ जाएगा, 4 कैरी ले लेंगे, और 5 1 जब 5 और 9 प्लस कर देंगे तो 9, तो कितना हमें 90, तो हमारा 90 किसका आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या प्लस का आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 4 से, तो अब कितना आएगा, ये आएगा हमारा प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस। तो यहाँ पे आएंगे पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अब 4 की 0 में करेंगे तो 0 और 4 9 जो कितना आएगा 36, तो ये 360 इसका ये आंसर हो जाएगा। अब मूव टू ऑप्शन आई, अब आई में क्या दिया है, इसमें दिया है हमें
माइनस का वन मल्टीप्लाई करना है माइनस का टू, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस का थ्री, और फिर मल्टीप्लाई करना है इसको फोर से। तो पहले सेम इंटीजर्स को ले लेंगे दोनों को, तो इसमें क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा वन टू जो टू, ये तो आ जाएगा। फिर हम इसमें क्या कर लेंगे, इसमें हम करेंगे माइनस का थ्री और प्लस का फोर। अब इसमें क्या करेंगे कि प्लस का टू आई है तो कितना हो जाएगा माइनस का सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, और मल्टीप्लाई करेंगे फोर से, तो अब कितना आएगा सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, देखिए उनका माइनस का। अब हमें इसका प्रोडक्ट करना है, तो जे तो इसमें क्या है हमारा माइनस का थ्री, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का सिक्स, फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का टू, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्या माइनस का वन। तो इसमें जो चार के चार हैं सारे हमारे माइनस के हैं, तो हम इसमें से कोई से भी ये वाले दो वाले कर लेते हैं पहले। तो अभी कितना हो जाएगा माइनस माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, तो थ्री सिक्स जा कितना हो जाएगा हमारा एटीन, फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस ये प्लस, और टू वन जा टू। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा टू, टू एट जा सिक्सटीन, वन कैरी ले लेंगे, टू वन जा टू, और एक इसमें फिर ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री, तो इसमें आ गया हमारा थर्टी सिक्स। तो मूव टू क्वेश्चन नंबर टू। अब इसमें दिया क्वेश्चन नंबर टू, तो इसमें दिया हमें कि वेरीफाई करना है फ्लोइंग को, मतलब ये वाली जो साइड ये इसके इक्वल हमें क्या करना है, इसको हमें बताना है, तो वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा पहले तो लेंगे 18, मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारा बिग ब्रैकेट 7 प्लस, फिर स्मॉल ब्रैकेट माइनस का 3, और फिर इसमें बिग ब्रैकेट। तो ये हमारे दिया है, और इसमें इसमें दिया है इक्वल किसके बराबर करना है इसको, बिग ब्रैकेट 18 मल्टीप्लाई 7, और फिर प्लस, फिर हमारा बड़ा ब्रैकेट 18 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट, और इसमें कितना माइनस का 3। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इसको, लेट अस कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, द लेफ्ट हैंड साइड, या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल एच एस। तो सबसे पहले हमारा कितना है 18 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट 7 प्लस माइनस का 3, और फिर है बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको 18 पहले छोटे ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ओपन करेंगे तो कितना का 7 और प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा हमारा 3। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 18, और यहाँ पे कितना आ जाएगा इसको 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 ओपन कर लेंगे तो 7 7 प्लस के और माइनस के 3, तो कितना बचा हमारा 4 का। तो अब क्या करने का, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 को 4, 4 8 जा 32, 3 हमने कैरी ले लिए कैरी फॉरवर्ड, 4 1 जा 4, 4 और 3 कितना आएगा हमारा 7, तो कितना आएगा हमारा 72। तो यही 72, तो ये क्या आ गया, ये हमारा एल एच एस आ गया। तो मोटू आर एच एस के लिए करेंगे हम आर एच एस राइट हैंड साइड। तो ये हमारा कितना है बिग ब्रैकेट 18 मल्टीप्लाई 7 बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस बिग ब्रैकेट ओपन 18 मल्टीप्लाई फिर हमारा स्मॉल ब्रैकेट माइनस का 3 अभी से क्लोज। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे 18 को 7 से करेंगे तो एट 7 8 जाए क्या 56, तो 5 इसमें कैरी फॉरवर्ड और 7 1 जाए 7 और 5 कितना आ गया हमारा 12, तो कितना आ जाएगा 126 इसका ये आ गया। फिर आएगा प्लस, अब इसको क्या करेंगे, पहले छोटे ब्रैकेट खोलते हैं फिर बड़े को खोलते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, फिर हमारा कि 3 8 जा क्या 24, तो 4 लेंगे 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 1 जा 3 और 2 उसमें प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 54। तो अब यहाँ पे कितना आएगा कि इसको ओपन कर लेते हैं 126 बड़ा ब्रैकेट को प्लस माइनस माइनस और कितना आ जाएगा 54।
अब इसमें क्या कर लेंगे कि ये हमारा सिक्स सिक्स में से फोर गया टू, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ले लिया था तो कैरी एलेवन, एलेवन में से फाइव गया कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा सेवन, तो ये होगा आर एच एस, तो हमारा वेरीफाई होगा बाय कंपैरिजन करेंगे इसमें, कम पेरिंग करेंगे एल एच एस एंड आर एच एस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो 72 हमारा एल एच एस आया था और राइट हैंड साइड आया था हमारा 72, तो ये क्या होगा, हैंस द गिवन इक्वेशन इज वेरीफाइड, तो हमें जो वेरीफाई करना था वो हमारा वेरीफाइड हो गया। तो हम इसमें आते हैं इसके टू क्वेश्चन के बी ऑप्शन पर, वेरीफाई करना है बी को भी, सबसे पहले कौन सी ले लेंगे हम, एल एच साइड ले लेंगे इसमें, तो माइनस 20 मल्टीप्लाई करना है माइनस का 4 फिर प्लस माइनस का 6, तो ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और ये है हमारे बिग ब्रैकेट, फिर हमारे इसको इसके, तो सबसे पहले हम आर एच एल एच एस देख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस को 21 मल्टीप्लाई करेंगे बिग ब्रैकेट स्टार्ट और कौन सा आएगा स्मॉल ब्रैकेट माइनस का 4, फिर इसमें प्लस आएगा कितना माइनस का 6 ये, और फिर बिग ब्रैकेट क्लोज, तो पहले इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 21 सेम, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसमें क्या होगा इसको खोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4 और ये कितना आएगा प्लस माइनस माइनस का 6, इसको क्लोज कर देंगे, फिर कितना आएगा हमारा माइनस का 21 और यहाँ पे कितना आएगा माइनस माइनस का कितना आ जाएगा माइनस माइनस का 10, माइनस का 10, अब माइनस का 21 से माइनस का 10 का करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस के साथ ये होगा हमारा प्लस का साइन आएगा, तो अभी मैं कितना आएगा 210, मतलब 20 के आगे 10 लगा देंगे तो 210 और कौन सा आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा प्लस का, तो ये हमारी एल एच साइड आ गई। अब हम देखते हैं आर एच एस राइट हैंड साइड, तो इसमें दिया हमारा माइनस का 21 स्मॉल ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट स्टार्ट, मल्टीप्लाई करना है फिर हमारा माइनस का 4, फिर इसमें क्लोज, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस आया, फिर बिग ब्रैकेट स्टार्ट और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, तो 21 माइनस का मल्टीप्लाई करना है माइनस का 6 और बिग ब्रैकेट क्लोज, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसमें करेंगे हम माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, बिग ब्रैकेट पर छोटे ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो माइनस 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 के माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब 4 की 1 में करेंगे 4 और 4 की 8 में करेंगे तो 2 में करेंगे तो 8 आएगा, तो 84, अब आएगा यहाँ पे प्लस, अब इसमें क्या है माइनस माइनस प्लस और क्या है कि 6 वन जा 6 और 6 टू जा कितना आ जाएगा हमारा 12, अब इसको हम प्लस कर लेंगे यहाँ पर कर लेते हैं 84 और 126, तो 4 6 कितना का 10, 1 कैरी ले लेंगे तो कितना का 1 और 8 9 9 और 2 फिर कितना का 11, तो यहाँ पे फिर हम 1 कैरी ले लेंगे तो 112, तो 210, तो अब हम कंपैरिजन करेंगे इसमें बाय कंपेयरिंग एल एच एंड आर एच एस, आर एच एस, तो हमारा इसमें क्या होगा एल एल एच एस का क्या आएगा हमारा, ये आएगा 210 और इक्वल कितना आएगा 210, तो दोनों बराबर, तो ये होगा इट इज़ वेरीफाइड, इट इज़ वेरीफाइड, तो इसमें आगे करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।